खुदावन यीशु मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, तमाम सुनने वाले और इस चैनल को देखने वाले, मैं आप सबको खुदावन यीशु मसीह में सलाम पेश करता हूँ। इस चैनल के वसीला से मुझे आज आप तक कलाम करने का मौका मिला या आप तक कलाम की बात को पहुंचाने का मौका मिला। अपलिफ्ट चैनल, अपलिफ्ट स्पिरिट चैनल, इसके वसीला से खुदा कलाम इस चैनल के वसीला से कैसे आपकी जिंदगियों को तब्दील करता और इस चैनल के वसीला से यकीनन इस सब कलाम को सुनने वाले और इस कलाम पर अमल करने वाले और इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखने वाले यकीनन रूहों की निजात का वसीला बनने वाला ये चैनल, मैं चाहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को या बाकी तमाम वीडियोस जो इस चैनल के वसीला से आप तक आती हैं उनको देखें, ताकि आप निजात पाएं, आप रिहाई पाएं, आप आजादी पाएं और आप इत्मीनान और कुव्वत और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जान सके, पहचान सके। मैं जिस बात का आज आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, यानी जो कलाम आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिस कलाम की आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, ये कलाम ऐसा कलाम है, इस कलाम की जो बात खुदा ने मुझे आप सब के लिए दी है, ये बात ऐसी बात है जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड हर रोज 24 घंटों में से एक ऐसा वक्त आता है जब ये बात हमारी जिंदगी से, हमारी सोचों से, हमारी फिक्रों से, हमारे ख्यालात से, हमारी बातों से, हमारे रोज कामों से, रोजमर्रा के कामों से रिलेटेड है। आए खुदा के कलाम में से सुनते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है जो हम हर रोज अपनी जिंदगी में करते तो हैं, सुनते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन शायद हम उसको समझते नहीं या उस पर अमल नहीं करते या करना नहीं चाहते। आए खुदा के कलाम में से सुनते हैं। मुकद्दस याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर इसे 15वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। सो खुदावन अपने कलाम में यूं फरमाते हैं कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब तुम मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश शामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब भर चुका तो मौत को पैदा करता। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन यीशु मसीह की बरकत। खुदावन यीशु मसीह ने मेरे अजीजों आज की ये बात, जिसका पहले मैंने आपसे तज़किरा किया या जिक्र किया, ये एक ऐसी बात है जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक है और इसी बात के जरिए से अक्सर औकात हम खुदा से दूरी हासिल कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे हम खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम आजमाइश में पड़ जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में आजमाइश नाम की चीज आ जाती है, जब हम किसी ऐसे काम में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी बीमारी में, ऐसे दुख में, ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हम एक ही बात अपने मुंह से निकालते हैं। यानी जब आजमाइश हमारी जिंदगी में आती है तो हम कहते हैं कि क्या
खुदा को मैं ही मिला था, या क्या खुदा ने हमारा ही घर देखा था, या क्या खुदा ने हमारा ही खानदान देखा था कि ये मुसीबत, ये मुश्किल, ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ, ये मातम हमारे घर में आ जाए। लेकिन शायद हम इस बात को अपनी जिंदगी में सोचना छोड़ देते हैं कि आजमाइश आती है तो वो खुदा की तरफ से ही नहीं होती, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा किसी को आजमाता नहीं, ना तो वो बदी के जरिए, ना वो बुराई के जरिए। खुदा किसी को आजमाइश में नहीं डालता। इंसान की जिंदगी में जब गुनाह आया, जब खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन में रखा, तो उनको जिंदगी की आसाइश की हर चीज अता कर दी। खाना पीना, उनका चलना सोना, सब कुछ खुदा ने अपने हाथों में रखा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब शैतान ने आके हवा को भड़काया और हवा ने फिर अपने साथ मर्द को मिला लिया, यानी आदम को मिला लिया, और ये दोनों जब आजमाए गए तो इनकी आजमाइश ऐसी थी कि इनकी जो रूहानी जिंदगी थी, इनकी जो बादशाही जिंदगी थी, इनकी जो हमेशा की जिंदगी थी, इनकी जो निजात की जिंदगी थी, इनकी जो रिहाई की जिंदगी थी, उस जिंदगी से ये निकल गए। और फिर कौन सी जिंदगी की तरफ गए? ये गुनाह की जिंदगी की तरफ चले गए, ये मौत की जिंदगी की तरफ चले गए, ये बुराई की जिंदगी की तरफ चले गए, ये लालच की जिंदगी की तरफ चले गए, ये बिद्दतों की जिंदगी की तरफ चले गए। क्योंकि जब इंसान गुनाह में पड़ जाता है, जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा कि गुनाह की मजदूरी मौत। और फिर इन्होंने उसके बाद क्या देखा कि वहां पर जहां ये हमेशा की जिंदगी में रहते थे, जहां ये हमेशा की जिंदगी में बैठे थे, जहां ये हमेशा की जिंदगी में खाते पीते थे, नहीं जानते थे गुनाह को, ना जानते थे बुराइयों को, ना जानते थे बिद्दतों को, ना जानते थे लालच को, ना जानते थे शैतान। लेकिन जब गुनाह में पड़ गए तो मौत को भी जान लिया, शैतान को भी जान लिया, बुराइयों को भी जान लिया, बिद्दतों को भी जान लिया, लालच को भी जान लिया, और बीमारियां क्या होती हैं ये भी यकीनन उस वक्त के इंसान ने जान लिया होगा। क्योंकि जब कत्ल को जान लिया, कत्ल किए जाने को जान लिया, खून बहाए जाने को जान लिया, जब कायन और हाबिल के दरमियान ये मौका आया, तो ऐसा बहुत कुछ इंसान की जिंदगी में आ गया। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वादा किया। और ये बात ही हकीकत है कि जो शख्स, जो इंसान, जो ईमानदार, जो खुदावंद से मोहब्बत करने वाला, जो खुदा के कलाम पर अमल करने वाला, जो उसके हुक्मों को मानने वाला हमेशा की जिंदगी चाहता है, वो बर्दाश्त करता है, और जो बर्दाश्त करता है वो हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करता है। मैं इस बात को थोड़ा सा उस डाकू की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि देखिए, वहां पर उसने अपने साथी से, अपने दोस्त से कहा कि तू खुदावंद यीशु मसीह को क्यों ऐसा कहता, देख मैंने भी गुनाह किया, तूने भी गुनाह किया, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया, और फिर भी ये वही सजा काटता है जो हम काट रहे हैं। फिर वो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर।
और देखें कि वहां पर वो कैसे आजाद होता है, कैसे उसकी जिंदगी बच जाती है, कैसे उसकी सारी जिंदगी के गुनाह धुल जाते हैं, जल जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से उस डाकू को कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। यानी उसकी आत्माइशें, उसके गुनाह, उसकी गलतियां, उसकी खताएं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के साथ ही बना हो जाती है। और आप भी अगर खुदावंद यीशु मसीह को आज इस कलाम के सुनने के बाद कबूल कर लेंगे, आज ही रात के वक्त आप खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुक जाएंगे, आज ही अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करेंगे, आज ही अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो यकीनन आप भी उसके साथ हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। और वो आपके लिए अभी से कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों, जब कोई बदी करता है, जब कोई बुराई करता है, जब कोई गुनाह करता है, अगर वो किसी आजमाइश में, अगर किसी बीमारी में, अगर किसी मुश्किल में, अगर किसी दुख में, अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता है, तो वो फिर खुदा से मांगते हुए भी शर्मसार होता है। किस मुंह से मांगेगा वो खुदा से? फिर वो क्या करते हैं कि किसी से पूछ लिया, किसी पड़ोसी से पूछ लिया, किसी यार दोस्त से पूछ लिया, यार मेरे घर पर बीमारी है, मेरे घर पर मुश्किल है, मेरे घर पर भूख और प्यास नाचती है, मेरी मदद करो, मुझे पैसे दो, मुझे किसी पीर फकीर का एड्रेस दो, मैं जाके दुआ करवाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपको मुसरफ बेटे के बाप की तरह अपनी बाहें फैलाए, अपने सीने से लगाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। जिस तरह उन्होंने अपने हाथ सलीब पर पसारे और आपको गले लगाने के लिए वो बाहें फैलाए खड़े रहते हैं और कहते हैं कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का आराम। अगर आजमाइशों में पड़ेंगे, अगर मुश्किलों में पड़ेंगे, अगर मुसीबतों में पड़ेंगे, अगर बीमारियों में पड़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को पुकारे। कोई भी फकीर, कोई बाबा आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, वो आपको झुटलाएगा, वो आपको आपकी सच्चाइयों से गुमराह कर देगा और आप कहीं और निकल जाएंगे। आप गैर माबूदों के पीछे ना जाएं, आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, आजमाइशों से निकले। खुदा किसी को आजमाता नहीं है, बल्कि खुदा आजमाइशों में से निकालता है। इसीलिए जब हम ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम खुदावंद यीशु मसीह से ये जिक्र करते हैं कि हमें आजमाइश में ना डाल, हमें वो आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि हमें आजमाइशों से निकालता है, हमें बुराइयों से निकालता है, हमें बदियों से निकालता है, हमें बीमारियों से निकालता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, आजमाइशों में आप खुद पढ़ते हैं, मुश्किलों में आप खुद पढ़ते हैं, बीमारियों में आप खुद पढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इसके बाद अपने कलाम को वाइंड अप करूंगा। एक दफा का जिक्र है कि कोई बहुत दुआगो किस्म का शख्स था और उसका कोई बड़ा आलम था, कोई प्रोफेसर था, वो जानने वाला था। और उस इंसान का, उस शख्स का ये शौक था कि मैं अपने बेटे को भी कोई आलम या मुफक्कर या बड़ा प्रोफेसर बनाऊं। तो उसने उस प्रोफेसर से बात की और उसे कहा कि सर जी, मैं अपने बेटे को आपके पास
तालीम हासिल करने के लिए भेजना चाहता हूँ। पहले तो उसने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद उसे कहा कि ठीक है, आप अपने बेटे को मेरे पास भेज। और जब उसका बेटा उस प्रोफेसर के पास जाता है तो उसके बेटे के अलावा उससे पहले 3 लड़के वहां पर और तालीमात हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। और उन चारों की पहले दिन की क्लास पर ही वो आलिम जो है उन लड़कों को, उन चार लड़कों को एक एक मुर्गी जो है वो देता है और उनसे कहता है कि ये मुर्गी आपने उस जगह पर जाकर हलाल करनी है, इसको ज़िबा करना है जहां पर आपको कोई देख ना रहा। तो चारों लड़के एक एक मुर्गी पकड़ते हैं, अपनी अपनी छुरी पकड़ते हैं और अपना अपना एक कोना पकड़ते हैं, वहां पर जाते हैं और उन मुर्गियों को हलाल करके ले आते हैं। लेकिन 3 लोग मुर्गियां हलाल करके लाते हैं, चौथा जो होता है वो वैसे ही जिंदा मुर्गी उठा कर ले आता है। वो तीनों की शक्ल को भी देखता है और उस शख्स को अलहदा खड़ा कर देता है। ये वही लड़का होता है जिसका बाप उसको उसके पास भेजता। तो वो कहता है कि बेटा आपने मुर्गी को हलाल क्यों नहीं किया, इन तीनों ने तो मेरी बात मान ली। वो कहता है सर जब आपने कहा कि आपने मुर्गी वहां पर हलाल करनी है जहां पर आपको कोई देख ना रहा, लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो वहां पर तो कोई ना था, लेकिन जब मेरी निगाह आसमान पर पड़ी तो मुझे खुदा नजर आया, खुदा मुझे देख रहा था, इसलिए मैं ये कत्ल करने से, मैं ये बुराई करने से रुक गया क्योंकि कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा मुझे देख रहा था। उस लड़के को शाबाशी मिली और उन तीनों को भगा दिया गया। असल में फिर उस लड़के को उसकी तालीमात दी गई और वो एक अच्छा प्रोफेसर बना क्योंकि वो खुदा का खौफ अपने दिल में रखता था, खुदा का डर अपने दिल में रखता था और इस आजमाइश में से निकलने के लिए उसने खुदा को अपना सहारा बनाया। खुदा ने उसे ऐसी आजमाइश में डाला कि वाकई उसने जाना कि कोई इंसान नहीं देखता तो खुदा देख लेगा। हम भी अक्सर औकात गुनाह करते हैं लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि हमें भी खुदा देख रहा है। चलो दूसरे लोग अभी ताले लगाए हुए हैं, गलियों में अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा, मैं जो करना चाहूं वो करूं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें खुदा देख रहा। इसलिए खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीजों, खुदा हमें हमेशा अपनी पाक निगाहों में रखता है, वो हमेशा हमें देखता रहता है। इसलिए जब भी आजमाइश आती है, जब भी कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी आती है तो खुदा यीशु मसीह को, उसके पाक लहू को, उसके मारे जाने को, उसके जमीन से आसमान पर उठाए जाने को कभी ना भूले। उसका पाक लहू हमारी निजात का वसीला बना, वो हमारी निजात है, वो हमारी जिंदगी है। जब भी खुदा यीशु मसीह को पुकारे वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है क्योंकि वो कहता है कि मेरी तरफ एक कदम आओ मैं 2 कदम तुम्हारी तरफ आऊं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी आती है खुदा यीशु मसीह को याद करें, दुआ करें, इल्तिजा करें, मेहनत करें, वो हमेशा आपके लिए खड़ा और आपकी मदद और रहनुमाई के लिए खड़ा रहता है। वो आपको बीमारियों में से उठा खड़ा करता है, वो मुश्किलात में से निकालता है, वो अंधेरों में से निकालता है और अंजालों में लेकर आता है और हमेशा की तारीकी को वो खत्म करने की कुव्वत और ताकत रखता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों, गुनाह से बचें क्योंकि ये गुनाह की मजदूरी जो है
मौत है, और हमने अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर कर लिया है। हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से खरीदे हुए हो। हम कोई किसी गैर माबूद को मानने की जुर्रत नहीं कर सकते। हम खुदावंद यीशु मसीह को, जो जिंदा था, जिंदा है और हमेशा तक जिंदा रहेगा, हम उस खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के कलाम पर अमल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुके, ना कि किसी गैर माबूद के सामने, जो हमेशा देने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आपकी हिफाजत और निगरानी करे, और खुदा हमेशा आपका मददगार और हामी हो। अपना ख्याल रखें और हमेशा तक खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करें, उसके हुक्मों को माने और उसके नाम को अपनी जिंदगी में रखें। फिर देखिएगा कि आपके घरों में खुदा के कलाम के वसीले से बरकत आती, खुदा के कलाम के वसीले से रहाई और आजादी आती, और खुदावंद यीशु मसीह खुद आपके घर में उतरने की कुवत और ताकत रखते हैं। पुकारे खुदावंद यीशु मसीह को, जो हमेशा आपकी मदद और रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ।